पिछली दफा टिकटों का वितरण हुआ उस प्रकार से अगर अब भी अनदेखी में अगर कोई हुई तो जो लोकसभा का हालात है उसा ही हालात विधानसभा में देखने को मिल सकता है। कोई गलत टिकट वितरण नहीं किया गया था, अगर वो जिसको बता रहा गलत किया तो वो तो जीत के आया है, कहीं ना कहीं कॉपीराइट हो रहा होगा। नमस्कार, दैनिक साथी में आपका स्वागत है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नेताओं की बयानबाजी खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। कुछ ऐसे भी नेता हैं जो टिकट कटने के डर से अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। हालिया बयान कोसली से विधायक रहे पूर्व मंत्री बिक्रम ठेकेदार का सुर्खियों में है। ठेकेदार नाम लिए बगैर राव पर भी निशाना साधा और कहा कि यदि 2019 की तरह हुआ तो लोकसभा जैसा हश्र होगा। उन्होंने कोसली विधायक लक्ष्मण की जीत भी अपनी मेहनत का परिणाम बताया। वहीं बादशाहपुर से विधायक रहे पूर्व मंत्री राव नरबीर भी इसी तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। दोनों ही पूर्व मंत्रियों की भाजपा ने 2019 विधानसभा चुनाव में टिकट काट दी थी। मंगलवार को विकास कार्यों के उद्घाटन व शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे लक्ष्मण सिंह यादव से सवाल पूछा गया तो वह दोनों नेताओं को करारा जवाब दिया। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव का जवाब भी दिखाएंगे, पहले दिखाते हैं आखिर पूर्व मंत्री बिक्रम यादव ने क्या कहा था। आज जिस प्रकार से हम इकट्ठे हुए हैं कभी लंबे अरसे के बाद में, गांव में जाना आना रहा है, मिलना जुलना रहा है, क्योंकि पिछली 5 साल से मैं आपके बीच में हूं, कोसली में रहना रहा है, कहीं बाहर नहीं तो आपके बीच में रहा हूं, इसलिए रोज मुलाकात होती रही है। लेकिन आज जिस प्रकार का माहौल है उसी प्रकार का माहौल 2019 में था और बार बार कहा गया कि आप जाइए, अपनी तैयारी करिए, टिकट की कोई परवाह नहीं। और जब समय का बिल्कुल पीक पॉइंट आ गया उस दिन हमें पता चला कि टिकट दूसरे कैंडिडेट को दे दी गई। हमारा हाथ मलते हुए रह गए, मेहनत किसी ने की थी, कैंडिडेट कोई आ गया। आज इस प्रकार से वो समय दोबारा ना दोहराया जाए और हमारी आपकी मेहनत का फल दूसरे ना लेकर जाए। आज उस कड़ी में हमारा आप सब यहां एकत्रित हुए हैं। आज पुनः भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आश्वासन है कि आप लोग अपने हलके में जाओ, अपनी तैयारी करो, लेकिन टिकट में समय है। भारतीय जनता पार्टी में टिकट सभी की राय ली जाती है और उसमें जब आखिरी समय में जब टिकट वितरण होता है, जो राजनीतिक बड़ी पहुंच वाले जो राजनीति क्षेत्र में होते हैं वो अपने मनसूबे के अनुसार टिकटों की अदला बदली करवा देते हैं। पिछली दफा जिस प्रकार से 75 पार का नारा था और हम 40 पर आकर रुक गए और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने के लिए दूसरी जेजेपी पार्टी का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि बल्लभगढ़ से लेकर और नारनौर तक मैं कहना चाहूंगा कि लगभग टिकटें बदल दी गई, चाहे वो रेवाड़ी थी, चाहे कोसड़ी थी, चाहे बादशाहपुर थी, चाहे गुड़गांवा थी, चाहे फरीदाबाद थी, चाहे पटौदी थी। कुछ में जिस प्रकार से जहां हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ता कर्मठ मजबूत जो जिन्होंने ग्राउंड पे मेहनत की थी वो पार्टी के साथ खड़े रहे और हम पार्टी के कैंडिडेट को जिताने का काम किया, जहां जिन्होंने आज अगर कोसली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का विधायक है तो आप लोगों के बलबूते पे है और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे है। ये नहीं कि खाली एक टिकट के ऊपर आदमी इलेक्शन लड़के जीत जाता है। आज वो समय नहीं है, आज समय वो है। आप लोगों की सरदारी, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों की मेहनत
और मेरे युवा साथियों का हौसला और इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट का चेहरा जिसकी अपनी पकड़ होगी, वही आदमी दोबारी से कोसली के अंदर कमल खिला पाएगा। वरना मुझे इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिस प्रकार से पिछली दफा टिकटों का वितरण हुआ, उस प्रकार से अगर अब भी अनदेखी में अगर कोई हुई तो जो लोकसभा का हालात है उसा ही हालात विधानसभा में देखने को मिल सकता है। आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने वर्चुअल के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश में, जैसे हमेशा हमारा नारा रहा है सबका साथ सबका विकास, क्षेत्रवाद हमारी सरकार ने नहीं चलाया, तो आज पूरे हरियाणा प्रदेश में कई हजारों करोड़ के काम का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया है। मेरे यहाँ भी 105 करोड़ रुपए का शिलान्यास 5 का हमने उद्घाटन हुआ है और बाकी 10 परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है। और मेरे कोसली में भी आप देखेंगे 35 करोड़ से ज़्यादा के आज शिलान्यास हुआ है और उद्घाटन हुए हैं। और ये मैं समझ सकता हूँ कि ये 10वां वर्चुअल जो था उद्घाटन था, इससे लोगों की एनर्जी भी कम लगती है, प्रशासन की एनर्जी भी कम लगती है और ये नई टेक्नोलॉजी का फायदा मिल रहा है। अगर एक जगह बैठ के इतने सारे उद्घाटन पूरे प्रदेश में हो जाते हैं, पहले तो उद्घाटन गिनती के होते थे तो लोग जगह जगह जाके कर सकते थे, लेकिन आज तो कोई गिनती नहीं है। कितने ही विकास कार्य पूरे प्रदेश में, विकास कार्यों की आज झड़ी लगी हुई है। मैं तो देख रहा हूँ पिछले 10 साल से लगातार, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से निरंतर उद्घाटन और शिलान्यास हो रहे हैं। आप स्टेज से बोल रहे थे कि ग्राउंड पर इतना काम, जैसे अधिकारियों को कह रहे थे अधिकारी प्रूफर करते नहीं, सरकार करते हैं लेकिन अधिकारी पहुंचा नहीं पा रहे प्रूफर, जो आप अंदर बातचीत करें पहुंचाते हैं लेकिन जो हमारी तसल्ली हो उसके उतना नहीं कर पा रहे। तो हम चाहते हैं कि जो पैसा एक बार सरकार ने दे दिया तो पब्लिक का उसका लाभ मिले, क्योंकि हर काम के लिए तो अधिकारी कर्मचारी सरकार ने लगा रखे हैं। सरकार पैसा भेजती है तो उसको पूरी ईमानदारी के साथ नीचे धरातल में लगाए, और मेरा फर्ज भी है, मुझे ये कहना भी चाहिए अधिकारियों। कोसली चलता है, कोसली चलता है, तो कल आपके पूर्व मंत्री हैं विक्रम सिंह, उन्होंने कई तरीके के ललकार लगाई है वहां से, आपने देखा भी होगा, किस तरह देखते हैं उनकी? वो कह रहे गलती दोहराई दोबारा बीजेपी का 2019 जैसा हाल होगा। नहीं, कैसे 2019 जैसा हाल होगा, हमारी 5 साल से सरकार चल रही है, बड़ी गलत फहमियां हैं। और 2015 में आदरणीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी ने जो घोषणाएं की थी कोसली के राजीव गांधी स्टेडियम से, उसके बाद 4.5 साल मंत्री जी रहे, मंत्री भी थे और पूर्ण बहुमत की सरकार भी थी, और हमारा तो आपने देखा 2 साल कोविड भी था, 1 साल किसान आंदोलन भी था, और तीसरा हमारी अल्पमत की सरकार भी थी। वो कहते हैं ना, या तो हमारे साथ जी का काम या भाजपा का काम, तो हमारा तो उन परिस्थितियों में भी आज कोसली में 1,150 करोड़ रुपए के काम हमने कराए हैं। और मुख्य सरकार तो रही, उसका कारण यही बता रहे कि गलत टिकट वितरण हुआ उस समय, वो ये कह रहे थे कि जो अल्पमत में सरकार आई पूर्ण बहुमत नहीं आया, उसका कारण सबसे बड़ा ये था टिकट वितरण गलत किया गया था। नहीं, कोई गलत टिकट वितरण नहीं किया गया था, अगर वो जिसको बता रहा गलत किया तो वो तो जीत के आया है, तो गलत कहाँ हुआ? जब जीत के आया तो गलत हो नहीं सकता। पार्टी को आंख क्यों दिखा रहे हैं जी? पार्टी को आंख क्यों दिखा रहे? अब सीजन है, सीजन पे तो देखो भाई, सब लोग अपना अपना हिसाब किताब तो मांगते हैं, करते हैं। और पार्टी देखिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, पार्टी के बिना कोई भी कुछ नहीं है। संगठन की जो ताकत है वो बड़ी चीज है, एक अकेला चना तो भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो पार्टी संगठन का काम सभी लोग मिलके करेंगे, अच्छे परिणाम भी आएंगे। नरवीर जी ने भी यहाँ परसों पार्टी को भी ललकारा और कई तरीके के आरोप लगाए, वो तो एक ही बात है, कहीं ना कहीं कॉपीराइट हो रहा होगा,